आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, मेरठ में नियुक्ति एसएसपी अजय सहानी ने दिखाए तेवर। रविवार को हुई घटना के संबंध में आयोजित युवा सेवा समिति के अध्यक्ष बदर अली पर 5,000 का इनाम व गुंडा एक्ट की कार्रवाई और संपत्ति की कुर्की के दिए आदेश। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर अथक प्रयास किए जाएंगे, साथ ही बदमाशों से निपटने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। प्रेस वार्ता के तुरंत बाद क्राइम मीटिंग में सभी थानेदार, सीओ, सिटी, एसीपी देहात व एसीपी क्राइम को मास्टर प्लान के बारे में समझाया गया। मेरठ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। वाली और जगह पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, जिसमें चार सीटेड क्रिमिनल भी है, एक मुकदमा भी पेंडिंग चल रहा है कोतवाली में, उसने भी न्यायालय से हम लोग उसकी कुर्की कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। फरार है तो संपत्ति की कुर्की होगी। मतलब शहर काजी के खिलाफ कोई? अब तो मैंने बताया कि जिसके खिलाफ जो एविडेंस मिल रहे हैं कार्रवाई होगी। अभी जो शहर काजी है उनका ये कहना है कि हमारी कोई संलिप्तता नहीं थी, वीडियो फुटेज और बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं उस आधार पर, और ये जो अरेस्ट हो रहे हैं इनके बयानों के आधार पर कि इनको किसने बुलाया था, किसने उकसाया था, कौन ये करवा रहा था, पूरी की पूरी कार्रवाई पुलिस करेगी। एक तो क्राइम, जनरल क्राइम जो है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करना और ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनकी सही जगह जेल वहाँ पे भेजना है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो जनपद की स्थिति है वो सुचारू रूप से चलती रहे। ये माह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रावण का माह है, कांवर की यात्राएं होंगी, इसको ध्यान में रखते हुए उसकी भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरे जनपद को 22 जोन और 63 सेक्टर में बांटा गया है। जगह जगह हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, ड्रोन का भी हम लोग यूज करेंगे और उसके साथ ही हम लोग मोबाइल कुछ वैन का यूज कर रहे हैं, जिसमें लगातार इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती रहेंगी जो गाड़ियां पूरे रूट पर चलेंगी। और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और जो भी पहले मामले आए हैं अभी हम लोग हर थाने से टॉप पोस्ट सबसे ज़्यादा जिनके क्राइम है ऐसे 10-10 लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी भी जो इशूज हैं उसको लेकर, जैसे महिला संबंधी है, पूरा माह महिला सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसमें भी हम लोग सेल्फ डिफेंस के क्लासेस बच्चों के करा रहे हैं, कानून की उनको जानकारी दे रहे हैं, 10-90 की जानकारी दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा अभी हम लोग का एक प्लान है। महिला संबंधी मामलों को लेकर हम एंटी रोमियो स्क्वाड का पुनर्गठन किया जा रहा है जो कल सुबह तक हो जाएगा, और इसका अलावा हेडक्वार्टर लेवल से भी एक टीम बन रही है, एक अलग सेल बन रहा है जो इन सारे थानों के एंटी रोमियो स्क्वाड से संपर्क करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। जो यू टीजिंग महिला संबंधी अपराध है इसमें हम उनको जागरूक भी कर रहे हैं, हर जगह हम लोग इसमें शिकायत पेटिका भी लगवा रहे हैं संबंधित लोगों से संपर्क करके, और जो भी मामला आएगा उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, मेरठ के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हालांकि अभियान चलते हैं, लेकिन जो वर्तमान के हालात हैं कई बार रोड रेज की घटना भी होती है, इसको लेकर क्या प्राथमिकता है, किस तरह से जाम बुक कराएंगे? ट्रैफिक भी हमारी प्राथमिकता है, ट्रैफिक में कुछ इशूज है, ट्रैफिक में हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे बढ़ा रहे हैं, कुछ चौराहे हैं, कुछ कट्स हैं, कुछ जगह है हम लोग को वन वे कराना है, वो सारी चीज़ों के लिए एसपी ट्रैफिक लगे हुए हैं और एक पूरा मास्टर प्लान वो तैयार कर रहे हैं अगले एक हफ्ते में, जिसको हम लोग लागू कराएंगे। रविवार की जो घटना हुई है इसमें अभी तक 54 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और इसमें इस कॉल को बदर अली नाम के एक अभियुक्त ने किया था, जिसकी पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और उसके आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई है और उस पर रिवार्ड घोषित किया गया है, 5,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। NSA माहौल निश्चित रूप से खराब हुआ है, NSA की भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, लीगल राय उसमें हम लोग ले रहे हैं, जो लीगल राय होगी उसके अनुरूप वो कार्रवाई भी करेंगे। जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, हर थाने से टॉप 10 क्रिमिनल्स पर टारगेट कर रहे हैं, पुराने जो अनकॉर्पोरेट केसेज हैं या जो क्रिमिनल्स फरार हैं जिन पे पुरस्कार घोषित है वो हमारी प्राथमिकता में है कि वो गिरफ्तार हों, जेल जाएं। जो लोग इसमें शामिल नहीं थे, कई लोग शहर से बाहर चलने का भी नाम है, वो पहले हमने आपको बता दिया कि एविडेंस के आधार पर कार्रवाई होगी, जो फोटो वीडियो उसके आधार पर कार्रवाई होगी, अगर कोई व्यक्ति शामिल नहीं है तो उसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, वो आराम से अपने घर। थैंक यू।